दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की दरों में काफी कटौती की गई है। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर वी के पॉल कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया है। इसके मुताबिक अब प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन में आइसोलेशन बेड मिलेंगे। इसके अलावा 13 से 15 हजार रुपए प्रतिदिन में आईसीयू बिना वेंटिलेटर के मिलेंगे। साथ ही 15 से 18 हजार रुपए प्रतिदिन पर आईसीयू वेंटिलेटर के साथ मिलेंगे। पीपीई किट की कीमत शामिल है। पहले ये दरें थी 24 से 25 हजार रुपए प्रतिदिन, आइसोलेशन बेड के लिए 34 से 43 हजार रुपए प्रतिदिन, आईसीयू बिना वेंटिलेटर और 44 से 54 हजार रुपए प्रतिदिन आईसीयू वेंटिलेटर के साथ मौजूदा दरों में पीपीई किट की कीमत नहीं थी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग की कीमत 2400 रुपए निर्धारित कर दी है। साथ ही अमित शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया था कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों को भी एंटीजन किट उपलब्ध कराएं। इसमें केवल 450 रुपए में ही कोरोना टेस्ट हो जाता है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना इलाज का रेट तय करने के लिए डॉक्टर वी के पॉल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने आज गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मौजूदा रेट को 2/3 कम करने के लिए कहा गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने रेट को कम करने का फैसला किया है।